कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्लासा के कैंप क्रमांक 4 के वीटीसी परिसर से लेकर राम रक्षा अस्पताल के रास्ते की हालत काफी खराब है, जिसके वजह से नागरिकों को आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। ऐसे में वहां के स्थानिक नगर सेवकों ने इस रास्ते को बनाने का और कलवट को बनाने का भूमि पूजन शुरू किया। अगर बात करेंगे तो नागरानी माता मंदिर की जो पूरा परिसर है, उसके बाद अगर 27-26 की बात करेंगे तो कलवट के रास्तों की काफी दिक्कत है। आज किस प्रकार का यहाँ उद्घाटन किया गया? देखिए, यहाँ पे कैसा है कि हमारे उल्लासनगर और कल्याण का जो ग्राम पंचायत है, कल्याण कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे मानेरा गाँव आशला गाँव लगता है। तो हमारा जो कलवट है, जो हमारा यहाँ के नाला है, नाले जो है वो कल्याण होके हुए दुर्गाड़ी के यहाँ पे पहुँचते हैं। तो आज नितिन तरे जी, हमने सब लोगों ने मिलके ये VTC ग्राउंड से लेके और राम रक्षा हॉस्पिटल तक जो भी कलवट और रोड के काम है डांबरीकरण के, उसका आज मुहूर्त किया। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी यहाँ के परिसर वालों को, जो हमको बार बार जगाते हैं और हम लोग उसके पीछे पड़ते हैं। तो आज काम उसके लिए सक्सेस हुआ, इसकी जल्द से जल्द शुरुआत होगी और 2-3 महीने में ये काम एकदम ख़त्म हो जाएगा। 26 सेक्शन में मुहूर्त किया है रोड का, तो आज हम लोग सब मिल के साथ में खड़े हैं, तो आज हम लोग अच्छे से काम करेंगे। 3 महीने तक पूरा हो जाएगा, जो भी तकलीफ है लोगों की वो सॉल्व हो जाएगी। मैम, सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पे रास्तों की है, रास्ते के लिए भी आपने प्रयास किए थे, कार्य निधि भी पास की गई है, तो वो कब शुरू होगा? ये आज 16 नंबर पैनल में कार्य का जो रोड का और कलवट का CC कंक्रीट रोड का काम चालू किया है। आज जो हमने मुहूर्त किया है इधर, और जो भी तकलीफें हैं वो आज समझिए पूरी हो जाएंगी। जो भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, जो कलवट के वजह से हम लोग काफ़ी टाइम से इसके पीछे फॉलोअप किया था, इन्होंने भी किया था हमारे साथ, आज वो पूरा होने जा रहा है और 3-4 महीने में ये पूरा कार्य संपन्न होगा।